हाय एवरीवन, मैं हूं स्वाति। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप सब अच्छे ही होंगे, सब अपनी भी ध्यान खुद रख रहे होंगे। तो आज के वीडियो में मैं आपके साथ क्या शेयर करने वाली हूं। आज की वीडियो एक्चुअली हाईली रिक्वेस्टेड वीडियो है, जो कि मेरे एक सब्सक्राइबर है, जो उनका नाम है सरोजनी, जो कि वो काफी दिन से मुझे इस वीडियो के लिए रिक्वेस्ट कर रहे थे। इस वीडियो की पार्ट वन जो है ऑलरेडी मेरे चैनल में अपलोड है, क्योंकि बहुत पहले से हो चुका है। तो वो वीडियो मैंने शेयर ऑलरेडी की थी, तो आप लोगों ने बहुत बहुत ज़्यादा प्यार दिया है इस वीडियो को। तो आई होप कि ये वीडियो भी आपको उतना ही ज़्यादा अच्छा लगेगा और इस वीडियो को भी आप उतना ही ज़्यादा पसंद करेंगे और प्यार भी देंगे। पहले बता देती हूँ, आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूँगी साड़ी में हैंकी को आप कैसे टक कर सकते। तो ऑलरेडी उसका जो पार्ट वन है, उसमें मैंने बहुत सारे आइडिया जो है ऑलरेडी शेयर की है, और कुछ आइडिया जो है मैं इस बार शेयर करूंगी। एंड उस हैंकी को मैंने जो है लेफ्ट साइड में दिखाया था कि आप कैसे कैसे स्टाइल में आप उसको टक कर सकते हैं। इस वीडियो में आपने दिखाया था, आप चाहो वो स्टाइल को भी आप राइट साइड में टक कर सकते हो। तो फिर भी मैं इस वीडियो में और कुछ आइडिया आपके साथ शेयर करूंगी। तो वो वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो डेफिनेटली एक बार जरूर चेक जरूर कीजिए। तो उससे पहले मैं आपको बताती हूँ कि आज मैं कौन से हैंकी यूज करने वाली हूँ, वो है ये। तो ये जो है संबलपुरी हैंडलूम कॉटन हैंकी है ये। और मैंने जो साड़ी भी वेयर की है, ये भी संबलपुरी हैंडलूम कॉटन साड़ी है, जो कि माय फेवरेट है। एंड उसके साथ मैंने ऑलरेडी एक सारी ड्रेपिंग वीडियो आपके साथ शेयर की थी, अगर वो वीडियो आपने नहीं देखा है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, आप डेफिनेटली एक बार चेक जरूर कर सकते हैं। एंड इसके साथ मैं जितने भी आइडिया आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, सारे सब कुछ जो है आप नॉर्मल जो कॉटन हैंकी है ना, उसके साथ भी कर सकते। बट मेरे पास जो है दोनों की दोनों जो है हैंडलूम कॉटन है, तो मैंने सोचा कि उसके साथ ही ये सारे आइडिया शेयर किया जाए, क्योंकि ये मेरे ख्याल से यूनिक होगा। उसके साथ मेरे ख्याल से ये वाला वीडियो किसी ने भी नहीं किया होगा, तो आई होप आपको अच्छा लगेगा, इसलिए मैंने सोचा कि उसके साथ ही किया जाए। तो चलिए, बहुत ज्यादा बातें हो गई, बहुत बड़ा इंट्रो हो चुका है, तो अभी शुरू करते आज की वीडियो। पहले हम कुछ ऐसे फोल्ड कर देंगे, जिस तरह हो गया ये, देन हम ये दोनों कॉर्नर को पकड़ लेंगे, देन उसकी मिडिल को हम पहले देख लेंगे उसका मिडिल कौन सा हो रहा है, देन उसके बाद हम दोनों को कुछ ऐसे फोल्ड कर देंगे। थोड़ा अगर ऊपर नीचे हो रहा है तो आप एडजस्ट कर लीजिए पहले, कुछ इस तरह। आई थिंक हमारा अच्छे से एडजस्ट हो गया है, यस, कुछ इस तरह। देन हम पीछे की तरफ उसको टर्न कर देंगे, कुछ इस तरह आप देख सकते हैं। देन जो है ये वाला जो पार्ट है उसको ऊपर की तरफ ले लेंगे, कुछ इस तरह। देन ये जो पार्ट था उसको हम अंदर की तरफ से ऐसे फोल्ड कर देंगे, देन ये वाले पार्ट को भी हम कुछ इस तरह फोल्ड कर देंगे। तो यहाँ पे मैं आपको सजेस्ट करूंगी एक सेफ्टी पिन जरूर रखें। अगर ऐसे करके आप उसको अच्छे से आयरन करते हैं तो आपको जरूरत नहीं है उसको सेफ्टी पिन लगाने की। अगर आप वो नहीं करते हैं तो यहाँ पे जो है एक सेफ्टी पिन लगा लीजिए, कुछ इस तरह दिखाई देता है गाइस। तो इस तरह लेफ्ट साइड में फोल्ड कर देंगे, कुछ इस तरह आप देख सकते हैं। मैं आपको लेफ्ट साइड में दिखा रही हूँ, अभी राइट साइड में भी टक करके दिखाऊंगी, तो आप देख सकते हैं कितना यूनिक है, काफी ज्यादा अच्छा लग रहा है। तो आप चाहो तो उसको राइट साइड में कुछ इस तरह टक करके, और एक चीज मैं आपको बोलना चाहती हूँ कि राइट साइड में हम कैसे भी टक कर रहे हैं वो एक्चुअली दिखाई नहीं देता है। कोई भी अच्छा सा अगर आप टक करते हैं, कोई भी अच्छा सा आप फोल्ड करते हैं, तो डेफिनेटली आप जो है लेफ्ट साइड में फोल्ड कीजिए, ताकि वो आप जो इतना मेहनत कर रहे हैं उसके पीछे, तो एटलीस्ट वो विजिबल हो, किसी को दिखाई दे। एक्चुअली ऑनेस्टली बता रही हूँ, मैं कभी भी मेरी साड़ी में मैं हैंकी टक नहीं करती हूँ, क्योंकि कभी भी हैंकी हम लोग कहीं भी जाते हैं, हैंकी जो डेफिनेटली जरूरत पड़ती है, लेकिन वो जो है हमारी पॉट्स के अंदर रह जाती है। मुझे नहीं लगता कि मुझे इतना जरूरत नहीं होती है। तो किसी को अगर हैंकी टक करने की
पसंद है किसी को हैंगी टक करना, तो डेफिनेटली आप जो है लेफ्ट साइड में टक कीजिए अगर आप कोई अच्छा सा फोल्ड कर रहे हैं तो। अगर आप नहीं कर रहे हैं कोई अच्छा सा फोल्ड, नॉर्मल फोल्ड कर रहे हैं, तो डेफिनेटली आप राइट साइड में उसको रख सकते हैं। अगर आप कुछ चीज में इतना मेहनत कर रहे हैं तो एटलीस्ट लोगों को दिखाई भी दे कि आप इतना अच्छा सा फोल्ड कर रहे हैं। तो ये हो गई, मैं अपनी तरफ से बता रही हूँ जो मैं फील करती हूँ उस बारे में। तो मैंने कुछ ऐसे लिया है, आप देख सकते ऐसे फोल्ड कर लिया है, देन कुछ ऐसे पकड़ने के बाद हम क्या करेंगे, फर्स्ट लेयर को हम पकड़ेंगे, कुछ ऐसे रखेंगे, देख पा रहे, कुछ ऐसे रखेंगे, सेकंड लेयर को लेके आएंगे, कुछ ऐसे रखेंगे उसके नीचे, फिर थर्ड लेयर को लेके आएंगे, फिर कुछ ऐसे रखेंगे, एंड एक एक लेयर करते जाएंगे, देन अच्छे से उसको फ्रेस करते जाएंगे तो अच्छे से रख जाएगा। देन ये लास्ट वाला को कुछ ऐसे रख लेंगे, देखा आपने। ऐसे हो जाने के बाद जो कुछ हमारा जो है वो कुछ ऐसे हो गया है, इसको हम अभी क्या करेंगे, ऐसे टर्न कर देंगे पीछे की तरफ। टर्न करने के बाद इसको हम करेंगे ऐसे, देन इसको करेंगे कुछ ऐसे, आप देख पा रहे, ये देखिए, देख लिया इसको, हम कुछ ऐसे टक कर लेंगे, देख पाए, बहुत यूनिक एंड बहुत जल्दी बन गया ये। इस राइट साइड में भी टक कर सकते, कुछ देखा आपने कुछ इस तरह। यहाँ पे आपका कुछ दिखने वाला है ही नहीं, तो ये अभी अच्छे से हाइड हो गया आपकी। तो गाइस मैंने कुछ ऐसे पकड़ लिया है, कुछ इस तरह आप देख सकते हैं, देन हम फिर से उसको जो है मिडिल को पकड़ के कुछ ऐसे कर देंगे, कुछ ऐसे, जिस तरह फिर उसको हम जो फोल्ड कर देंगे पीछे की तरफ, टर्न कर देंगे, देन इसको जो है हम कर लेंगे, हम ले लेंगे ऐसे पीछे की तरफ फोल्ड कर देंगे ऐसे, फिर यहाँ से जो है हम ऐसे पकड़ लेंगे, देन यहाँ से जो है हम ऐसे पकड़ लेंगे। तो यहाँ पे जो है हमें थोड़ा बराबर करना है कुछ इस तरह, देख पा रहे, ऐसे हमारा बन गया है। उसके बाद हम उसको ऐसे लगा देंगे, आप देख पा रहे कितना ज्यादा अच्छा लग रहा है। राइट साइड में भी टक कर सकते हैं, यहाँ पे रखते हैं तो आपको पता भी नहीं चलता है, सॉरी आपको नहीं, किसी और को पता नहीं चलता है कि आपने यहाँ पे हैंकी टक किया है या फिर कुछ भी किया है, तो अच्छा है। हम यहाँ पे देख सकते चार फोल्ड कर लिए हैं ऐसे, कुछ ऐसे, इसको करने के बाद एक एक निकालेंगे कुछ ऐसे, इसको जो है कुछ ऐसे फोल्ड करते हुए ऊपर की तरफ लेके जाएंगे कुछ इस तरह, ठीक है। मैं एक्चुअली आपको अच्छे से सिखाने के लिए ऐसे दिखा रही हूँ, बट आप चाहो तो अच्छे से नीचे रख के अगर आप करेंगे तो और भी ज्यादा अच्छे से होगा। फिर इसको फोल्ड कर देंगे, देख सकते हैं ये तीनों फोल्ड मेरे मैंने जो है कर लिया है, ये ऐसे अब नहीं रह रहा है, बट उसको जो अच्छे से फोल्ड करेंगे तो अच्छे से बैठ जाएगा कुछ इस तरह, आप देख सकते हैं। बट नीचे का जो पार्ट है उसको हम ऐसे छोड़ देंगे, जस्ट लाइक हम उसको ऐसे पकड़ लेंगे, देन हम पीछे की तरफ इसे पलट लेंगे, देन हम यहाँ पे ऐसे करेंगे, देन यहाँ से हम कुछ ऐसे करेंगे। आपने देखा ये जो पार्ट है ये पीछे वाला पार्ट है, ऐसे करके आप चाहो तो आयरन भी कर सकते हो उसको, बट मैं यहाँ पे आयरन करने की ज़रूरत नहीं है, आप चाहो तो आयरन कर लेंगे तो अच्छा रहेगा, बट आप आयरन नहीं भी कर रहे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे जो है ये कुछ ऐसे दिखाई देती है, आप देख पा रहे
कितना ज्यादा अच्छा लग रहा है ये वाला, तो उसको दें आप कुछ इस तरह रख कर सकते, इस तरह आप ढक कर लीजिए। कितना अमेजिंग लग रहा है वैसे, देख सकते हैं, देख सकते हैं। अगर इस टाइप का, इस टाइप की आपके पास हैंकी नहीं है तो आप नॉर्मल हैंकी से कर सकते हैं, जो कॉटन की वाइट वाले हैंकी आती है, या फिर कैसे भी हैंकी हो, आप कोई भी आइडिया जो है, स्टाइल जो है, आप कर सकते हैं। मैं यहाँ पे इसको स्टाइल कर ली। अभी जो है मैं उसको राइट साइड में भी टक्कर यहाँ पे जो है मैंने उसको छुपा लिया, देख सकते हैं। तो गाइस नेक्स्ट हम करेंगे, जैसे पान बनाते हुए आप देखा होगा, तो हम यहाँ पे पान की शेप से ही बना रहे हैं। तो मैंने कुछ ऐसे पकड़ लिया है, देन मैं थोड़ा ऐसे फोल्ड करूंगी कुछ ऐसे, देन और एक बार फोल्ड करूंगी, देन और एक बार फोल्ड करूंगी, देन यहाँ पे मैं कुछ ऐसे, देख सकते हैं मैंने कुछ ऐसे बना ली है, देख पा रहे हैं। इसके बाद क्या करेंगे, पान जब ऐसे बन जाने के बाद, सारे मसाले वगैरह डाल देने के बाद, इसको क्या है ऐसे फोल्ड कर देते हैं। गाइस मुझे पान बनाना नहीं आता, बट तो मैंने सोचा कि कुछ इस टाइप में बनाते हैं, शायद आपको, आई होप कि आपको ये अच्छी लगेगी। कुछ सेब दे देंगे कुछ इस तरह, आप देख पा रहे हैं, कहीं से भी निकलने की टेंशन नहीं है क्योंकि हमने अच्छे से फोल्ड कर लिया है। ये है पान, खाना चाहो तो आराम से इसके अंदर पान रख के खा भी सकते हो, बस मजा कर रही थी। तो ये हो गया, देख पा रहे हैं, ये भी काफी ऐसे रखे कितना अच्छा लगेगा, या फिर आप अंदर के साइड में भी रखना चाहो रख सकते हो। देन गाइस मैंने, देख सकते हैं यहाँ पे जो है कुछ ऐसे फोल्ड कर लिया है, नॉर्मल जैसे हाफ करके फोल्ड करते हैं वैसे फोल्ड कर लिया है, ठीक है। देन उसको पकड़ के हम क्या करेंगे, बीच को पकड़ के हम ऐसे कर लेंगे, दूसरे तरफ से भी कुछ ऐसे कर लेंगे, दोनों को अच्छे से कर लेंगे कुछ इस तरह, आप देख पा रहे हैं कुछ इस तरह हो गया। देन हम क्या करेंगे, उसको पीछे की तरफ टर्न करेंगे कुछ ऐसे, फिर सेम प्रोसेस को, ये पर यहाँ पे जो कॉर्नर देख रहे हैं ना, उसको पकड़ के हम ऐसे कर लेंगे, यहाँ पे जो ये कॉर्नर है उसको पकड़ के हम यहाँ कर लेंगे। तो इस साइड देख सकते हैं कुछ ऐसे हो गया, एंड इस साइड जो है कुछ ऐसे हो गया, देख पा रहे, बहुत ही इजी है, आपको इसमें कोई भी मेहनत नहीं लगती। तो आप कोई भी साइड से पकड़ो, इस साइड से पकड़ सकते हो या फिर इस साइड से, दोनों भी साइड से, कोई भी साइड से पकड़ के उसको टक कर लो, सिंपल, जस्ट देख सकते कैसे लग रहा है। जैसे हम यहां टक किए, जैसे हम यहां टक कर लेंगे कुछ इस तरह, छिपाना चाहते हो तो छुपा लो आराम से हैंकी को, तो ऐसे करके आप कर सकते हो। थी आज की वीडियो, आपको कैसे लगा वीडियो प्लीज कमेंट करके जरूर बताइए। मैंने जितना भी हो सके कुछ अच्छा आइडियाज आपके साथ शेयर करने की कोशिश की है। आई होप कि सारे आइडिया मैंने जो आपके साथ शेयर की है सब आपको अच्छा लगा होगा। तो इनमें से कौन सा आपको सबसे ज्यादा अच्छा लगा, सबसे ज्यादा इजी लगा, प्लीज वो मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। एंड वीडियो आपको अच्छी लगी है तो आप अपनी फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं, या फिर आप कोई सोशल मीडिया जैसे कि अकाउंट है आपके, फेसबुक हुआ या फिर इंस्टाग्राम हुआ, व्हाट्सएप हुआ, या फिर और भी कुछ है, तो प्लीज मेरी वीडियो को शेयर कीजिए। आपसे मुझे ये एक बस हेल्प कर लीजिए आपकी तरफ से। एंड वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक कीजिए, एंड मेरे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। एक्चुअली कुछ दिनों से मेरे चैनल बहुत ज्यादा
खराब चल रही है, बीच में मेरी तबीयत खराब होने की वजह से गैप हो गया था या फिर किसकी वजह से पता नहीं, अभी बहुत इतना खास ग्रो मुझे नहीं कर रहा है काफी दिनों से मैं देखती हूँ। प्लीज गाइस मेरी चैनल को सपोर्ट कीजिए, कमेंट करके जरूर बताइए वीडियो आपको कैसी लगी एंड लाइक करना बिल्कुल ना भूलिए क्योंकि आपकी एक लाइक मेरे लिए बहुत 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 ज्यादा मायने रखती है। तो प्लीज गाइस लाइक किया कीजिए। तो चलिए मिलती है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय गाइस।